यार गबरू, यस मैं एक ट्रिप जा रहा था 3 दिन के लिए। और मैं यार बाइक पे जा रहा हूँ, आप नहीं जा पाओगे तो आप यही रहना, मैं आके आपसे मिलता हूँ। अबे यार तू फिर से मेरे को छोड़ के जा रहा है, मेरी पॉटी कौन धोएगा बे? यार 2 दिन मैनेज कर ले, एक साल से तो तेरी पॉटी धो ही रहा हूँ ना, प्लीज भाई। अरे यार जाओ, वैसे आपके व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लो, मेरी बात छोड़ो। ओह यस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स। मैं मलकीता, मैं आ चुका हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेके। मैं इस बार जा रहा हूँ मुक्तेश्वर और ये मेरी 3 दिन की ट्रिप होगी। लॉकडाउन के बाद मेरी ये पहली ट्रिप है, तो हाँ इस बार मैं सोलो नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ 2 दोस्त जा रहे हैं जो कि विशाल और अर्पित है, जो कि थोड़ी देर में आते होंगे। जैसे आते आप लोगों को मिलाता हूँ यार, तब तक ये काम करते हैं ना, हम अपनी पैकिंग शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 5 बजे और हम निकलने वाले हैं। ये अर्पित भाई मिल लीजिए, दिख नहीं रहा, इधर आ जा भाई। अर्पित और ये विशाल। तो हम अभी निकल रहे हैं, बाकी आपको आगे की जर्नी आगे रास्ते में बताते रहेंगे। पता नहीं ये किसका खेत है, हम इस खेत पे आ चुके हैं। बाइक चला के जा रहे थे पर रास्ते में ये दिखा, फॉगी, पूरा फॉग है, तो हमने सोचा एक दो फोटो खींच लेते हैं। अर्पित भाई भी बिजी है फोटो खींचने में। वाव, अभी हमारा ये पहला हॉल्ट है। ये हॉल्ट हमने लिया है कुछ मुरादाबाद और रामपुर के बीच की जगह है। ऑलमोस्ट हम अभी 160 किलोमीटर के आगे और 100 किलोमीटर है। तो आज हमारा प्लान है कि हम नैनीताल रुकेंगे। नैनीताल इसलिए रुक रहे हैं ताकि जो विशाल भाई है, विशाल भाई का एग्ज़ाम है, उसके बाद आगे की सफ़र हम कल तय करेंगे। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, पेट भर लिया हमने, सुबह से कुछ खाया नहीं था, अभी खा चुके हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में और अभी हम मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट स्टॉप लेंगे पहाड़ों पे। तो यहाँ से नैनीताल 100 किलोमीटर है, अभी हमारे 40-50 किलोमीटर के बाद पहाड़ आ जाएंगे, तो वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को। ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर है अभी दूर नैनीताल से। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला एरिया मिला रोड साइड, 15-20 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा फोटो वोटो खींच के फिर हम आगे निकलेंगे। तो हमारे पास टाइम बहुत है इसलिए हम अभी थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं, और आगे जैसे भी जो भी चल रहा है हमारा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। स्टे ट्यून। तो
अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ 50 मिनट के आसपास रुक गए हम, थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह। अब हम शायद सीधा नैनीताल रुके या थोड़ी पहले पहाड़ों में, तो ऑब्वियसली रुकना पड़ेगा ही व्यू के बाद। तो फिलहाल तो यहाँ से निकल रहे हैं, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। चलो अभी हम उत्तराखंड के पहाड़ों में चढ़ चुके हैं। नैनीताल पहुंचने के लिए हमारे पास अभी और 1 घंटा है लगभग, तो हमने यहाँ पे कुछ 5-10 मिनट का हॉल्ट लिया है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो पहाड़ों में आपको पता ही है क्या है कि जहाँ भी अच्छा व्यू मिला वहाँ पे हम रुक गए, राइट? क्या कर रहे हो? व्यू अच्छा है, व्यू अच्छा है क्या? हाँ, घुसेड़ दे मेरे, यहाँ घुसेड़ दे। ये ब्लॉग में डालेगा वायरल करने के लिए।